मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कलेक्टर और एसपी को बदमाशों माफियाओं बहन बेटियों से जाति करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है वहीं सीएम शिवराज के आदेश पर इंदौर पुलिस रिएक्शन में आती हुई नजर आ रही है इसी के चलते इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चौरी मिश्र ने कहा कि इंदौर में एंटी माफिया अभियान में निगम के साथ मिलकर एक दर्जन से अधिक अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें निगम की मदद से ध्वस्त किया जाएगा वहीं आने वाले दिनों में चिन्हित अपराधियों की संख्या बढ़ सकती है इंदौर शहर में एंटी माफिया अभियान की भी शुरुआत हो गई है आज बड़ी संख्या में पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कुछ मकानों को ध्वस्त किया गया है इस एंटी माफिया अभियान को लेकर किस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी उसको लेकर चर्चा करते हैं पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायण चार्य मिश्र सर से सर एक एंटी माफिया अभियान की एक बार फिर शुरुआत हो गई है सर किस तरह इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और कितने लोगों को इसमें चिन्हित किया गया सर मुख्य तौर पर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है और अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो सभी महत्वपूर्ण गंभीर अपराधों में काफ़ी कमी आई है न सिर्फ कमी आई है बल्कि अगर हम डायल हंड्रेड के आंकड़ों को देखें तो लगभग दो महीनों में डेढ़ हज़ार कॉल्स कम आए हैं जो कि दिखाते हैं कि समस्याएँ कहीं ना कहीं कम हुई हैं जिसके कारण इस तरह के कॉल जो होते हैं जो कि ऑटोमेटेड जनरेटेड uh, होते हैं और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इस तरह के कॉल्स को जब भी हम समस्या होती है हम कॉल करते हैं तो यह दिखाता है कि इस तरह की पुलिस की सक्रियता से एक सकारात्मक असर गया है इसी कड़ी में पिछले परसों दो दिन पूर्व एक पुलिस की जो रात भर कार्रवाई चली उसमें सत्रह से ज्यादा सत्रह लगभग अपराधियों पर कार्रवाई की गई और इसमें एक सौ छप्पन वारंटी थे इसमें 666 सौ छाछठ के आसपास कुल वारंटी थे जो कि एक बड़ी संख्या है इस बड़ी कार्रवाई का एक व्यापक असर हुआ है और उसी तरह से आज नगर निगम के साथ जो संयुक्त अभियान चला एक ड्रग माफिया के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और उसके अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है यह मुख्य तौर पर इस तरह के आपराधिक तत्वों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है सर आपको तो भी है कि आपने अधिकारियों की बैठक ली और काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए हैं सर किस तरह की बैठक थी और क्या आपके द्वारा उन्होंने दिशा निर्देश जारी यह बैठक मुख्य तौर पर गफ्त को लेकर के गश्त में चूंकि रात्रि गफ्त एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और इसमें किसी भी तरह की प्रारंभिक कुछ जानकारियां निकाली गई थी जिसमें कुछ जगहों पर लापरवाही पाई गई थी उसमें उन्हें दंडित भी किया गया और दंडित के साथ साथ सभी को कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को गणना में रहने ले ब्रिफिंग, -ब्रिफिंग से लेकर के ब्रीफिंग डीब्रीफिंग से लेकर के और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को रखने के बारे में कुछ जरूरी निर्देश निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जो रात्रि की गफ्त होती है रात्रि की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसे और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सके सर एक एस ओ जारी की गई है किराएदारी को लेकर सर उसको ले किस तरह किराएदारों को लेकर के एक एस ओ जारी की गई है जिससे मुख्य तौर पे शहर की चूंकि आबादी काफ़ी बड़ी है इसमें किराएदारों की जानकारी आती रहे इसमें बताया गया है कि उसको हम ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं थाने में या फिर एम की वेबसाइट पर उसको ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जारी कर सकते हैं और यह हमारी सुरक्षा को बंदोबस्त करने में जिस हर उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी जो कि मुख्य तौर पर इस शहर का रहने वाला है और जिसके पास इस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसमें मकान मालिक की जानकारी मकान किराएदार की जानकारी देना या फिर कोई आ, हमारे यहाँ कर्मचारी अगर काम करते हैं उसकी जानकारी दिया जाना या कोई पेइंग गेस्ट रह रहा है उसकी जानकारी दिया जाना यह अनिवार्य होगा और इसमें आधार कार्ड और बाकी जानकारियों के साथ उस जानकारी को हम थाने में जमा कर सकते हैं सर लगातार है पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जाए कहीं ना कहीं आम जनता में भरोसा पुलिस को लेकर काफी बढ़ गया है उनको यह विश्वास है कि अब जो पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है कहीं ना कहीं क्राइम भी कंट्रोल होगा और अपराधियों पर भी नकल के जाएगी सर हाँ लगातार इस कार्रवाई से एक व्यापक और सकारात्मक असर हुआ और पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने बताया कि तमाम जो अभियान चलाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा को लेकर और आम जनता की सुरक्षा को लेकर है और जो ये अभियान है निरंतर गुण्य बदमाशों के खिलाफ जारी रहेगा ताकि शहर में सुरक्षा का भाव आम जनता में बना रहे कैमरा पर्सन गोल्डी गुर्जर के साथ जितिन ठाकुर खबर मध्य प्रदेश इंदौर